हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास के बारे में, कार्तिक मास में दान के महत्व के बारे में, और कौन सा दान करना चाहिए और उस दान का क्या महत्व होता है इस बारे में। तो फ्रेंड्स, कार्तिक माह में सिर्फ दो वस्तु का दान कर दीजिए, सिर्फ दो वस्तुओं का, श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण दोनों की भर भर कर कृपा होगी, शिव शंकर की कृपा होगी, माँ पार्वती की कृपा होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ दो वस्तुओं को आपको दान करना है। फ्रेंड्स, यह सबसे सरल दान है। आपको क्या करना है, एक केला और एक आंवला रोज रोज मतलब पूरे कार्तिक माह एक मंदिर में दान करके आना है। जैसे आप दीप दान करते हो मंदिर में जाकर, ठीक उसी तरह आपको रोज एक केला और एक आंवला रोज किसी भी मंदिर में रख के आना है, मतलब दान करके आना है। और अगर आप रोज ना कर सको तो महीने में सिर्फ एक बार भी कर सकते हो। एक बार करने का महत्व कम नहीं होता है। आप किसी भी दिन दान करें, आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी, आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आपको मन में संकल्प करना है, मन ही मन भगवान से बोले कि मैं इतने दिन या इतनी बार यह दान करूँगा, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके लिए आपकी श्रद्धा और मन में विश्वास बहुत जरूरी है। यह दो दान, केले का और आंवले का, यह आपको नरक यातना से तो बचाता ही है, आपको श्री हरि, श्री लक्ष्मी मैया, भगवान शिव और पार्वती मैया सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी मन में संकल्प लें और यह दान जरूर करें। फ्रेंड्स, आप पर श्री नारायण की कृपा भर भर कर होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।